सड़क दुर्घटना में मौत, सड़क जाम। बाघमारा की ईस्ट बसुरिया के मोहलीडी के समीप एक अज्ञात वाहन के चपेट में आने से 45 वर्षीय तपन शाखा की मौत मौके पर ही हो गई। मृतक तेतुलमारी निवासी निजी शिक्षक बताया जा रहा है। घटना से गुस्साए लोगों ने तेतुलमारी भूली सड़क पर हो रहे भारी वाहनों के परिचालन को बाधित कर दिया है और उचित मुआवजे की मांग कर रहे हैं। वहीं स्थानीय जनप्रतिनिधियों की माने तो इस सड़क के सौंदर्यीकरण में स्थानीय ग्रामीणों का बहुत बड़ा योगदान है और आज जब ये सड़क चलने लायक हो गई है तो अब यहाँ के लोग ही मर रहे हैं। साथ ही प्रशासन पर स्थानीय ट्रांसपोर्टरों से मिलीभगत का आरोप लगाते हुए कहा कि यहाँ भारी वाहनों का चालक ज्यादातर नाबालिग है जो अनियंत्रित वाहन चलाने के जिम्मेदार भी हैं। इन दिशा में भी प्रशासन को कार्रवाई करनी चाहिए। ये ग्रामीण रोड है, ये रोड में 3 पंचायत पड़ता है और यहाँ हाईवा कम से कम 500,000 हाईवा डेली चलता है। और आप लोग को मालूम होगा, यहाँ ग्रामीणों को भी मालूम है, ये रोड का स्थिति बहुत जर्जर था। इसको कहीं ना कहीं श्रम दान करके हम लोग बनाते गए, फिर एक लंबी आंदोलन लड़े, तब जाके PWD से ये रोड बना। उसके बाद इतना हाईवा BCL यहाँ पर चलवा रहा है लापरवाही से निजी रोड में, ग्रामीण रोड में, कि आए दिन देखिए अभी 45 वर्षीय क्या गए वो हमारे तेतुलमारी का आदमी यहाँ पर डेट कर गया है। हम लोग को डिमांड है जो इसका मुआवजा मिलना चाहिए, चाहे जो दे, BCL दे, ट्रांसपोर्टर दे, और जब भी गाड़ी चले तो एक टाइम सीमा सेट करे, क्या कि मॉर्निंग वॉक हम लोग ग्रामीण करने निकलते हैं 3-3 पंचायत के आदमी, और इसी दरमियान में पागल के तरह यहाँ पर हाईवा चल रहा है, आए दिन दुर्घटना हो रहा है। स्थानीय प्रशासन हम लोग बोल रहे हैं उनको जो आप यहाँ पर चेकपोस्ट लगवाइए, एक दो जगह ब्रेकेटिंग लगवाइए, ड्राम उराम रखवाइए ताकि कम स्पीड में गाड़ी चले। सब नाबालिग लड़का चलाता है, आए दिन यहाँ अगर DTO साहब अगर चेकिंग करेंगे तो 100 गाड़ी पकड़ा गया नाबालिग लड़का चलाते हुए हाईवा को, जो प्रशासन ध्यान नहीं दे रहा है रोड में। ये तो प्रशासन जाने सब यहाँ पर ट्रांसपोर्टर लोग का सेटिंग से नाबालिग लड़का को गाड़ी दे दे रहा है, सब चला रहा है, डेली एक्सीडेंट हो रहा है। हम लोग सरकार से मांग करेंगे, अपना युवा मुख्यमंत्री से खास करके, ये रोड एक्सीडेंट में जो 20,000 रुपया है उसको बढ़ा के कम से कम 5 लाख रुपया करे ताकि उस गरीब का घर परिवार चल सके।